नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली है। जी हां दोस्तों, वो इंडस्ट्री है स्वास्थ्य की इंडस्ट्री, हेल्थ की इंडस्ट्री, फिटनेस की इंडस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो बुक यही चीजें आपको बताने वाली है कि कैसे स्वास्थ्य की जो इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली है। बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स की हम बातचीत करेंगे और इस चीज को समझेंगे कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों, पॉल जेल पिल्जर वैसे एक अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं और कई मैगजीन्स में उनके आर्टिकल पब्लिश होते हैं, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्री होने के साथ साथ में इस चीज पे भी फोकस डाला है इस बुक में कि कैसे आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, उस हेल्थ के सराउंडिंग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस की संभावनाएं क्या बनती है, वही इस बुक में बताया गया है। दोस्तों, अगर इस बुक की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट बुक है, इसमें बहुत सारे ऐसे डाटा दिए गए हैं जो हो सकता है थोड़े आउटडेटेड हो जाए क्योंकि काफ़ी पहले बुक लिखी जा चुकी है। दूसरा, इसमें जो डाटा दिया है वो यूएस का दिया हुआ है, तो इंडिया के हिसाब से आपको एचडीटी डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा कि कैसे ये बुक आपको इशारा करती है कि कैसे वेलनेस का रेवोल्यूशन आने वाला है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली है। तो इसके बारे में अगर समझना हो तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक का सार इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये बुक आपको खरीदनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इस सार को एंजॉय कीजिए और वहाँ से समरी लेने की कोशिश कीजिए कि बुक आपको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, कैसे आप इस रेवोल्यूशन में अपनी किस्मत को भी चमका सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक निवेशक हो, चाहे आप एक वितरक हो, ये बुक आपको बताती है कि कैसे स्वास्थ्य की इंडस्ट्री से संबंधित प्रोडक्ट और सेवाओं की मांग बढ़ने वाली है, कैसे उस मांग को बरकरार आप रख सकते हैं और कैसे नई संभावना को आप देख सकते हैं, इसके बारे में इस बुक में विस्तार से बताया गया है। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हेल्थ की होने वाली है, लेकिन थोड़ा पीछे चल के देखें तो आप देखेंगे कि 20वीं सदी के दौरान पर्सनल कंप्यूटर, गाड़ी, हवाई जहाज, इस तरह की जो चीज़ें थी उन्होंने सबसे बड़ी इंडस्ट्री को स्थापित किया था, लेकिन आज समय बदल चुका है और स्पेशली जो अभी कोविड की कंडीशन गुजरी थी उसके बाद में तो ये चीज़ और प्रूव हो चुकी है। वैसे ये बुक लिखी गई थी 2002 के समथिंग और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हुआ था 2009 में, लेकिन अभी की जो हाल ही की कंडीशन आपने देखी होगी उससे आपको भी समझ में आ चुका होगा कि कैसे वेलनेस की रिवोल्यूशन आने वाला है, कैसे वेलनेस के रिवोल्यूशन में आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। पीछे के समय में आप देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज ने इंडस्ट्री को स्थापित किया था, बहुत बड़ा बिजनेस लोगों ने बनाया था, वैसे ही भविष्य में या वो उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है वो इंडस्ट्री होने वाली है स्वास्थ्य यानी वेलनेस की इंडस्ट्री। पॉल जेल पिल्जर इस बुक में बताते हैं कि दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक तो होती है बीमारी की, एक होती है स्वास्थ्य की। जनरली हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं, जो क्लिनिक होते हैं, उनको हम सभी स्वास्थ्य की इंडस्ट्री मानते हैं, यानी हेल्थ या चिकित्सा विभाग बोलते हैं हम जनरली उसको, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। लेकिन उसमें जनरली जो है बीमारी, यानी उसको बीमारी को होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और मैक्सिमम उसके लक्षणों पर बातचीत की जाती है। लेकिन पॉल जेल पिल्जर कहना चाहते हैं कि आने वाला समय इस बात का है, यानी वो शुरुआत अभी हो चुकी है, कि आप बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं, यानी आप उसके लक्षणों का ट्रीटमेंट नहीं करके आप उसकी जड़ पे काम करके, यानी उसको होने ही नहीं दे उस पर काम करेंगे, तो उस इंडस्ट्री को उन्होंने स्वास्थ्य की इंडस्ट्री बोला है। तो वो इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप एग्जांपल देखिए, बहुत सारे जिम देखिए, बहुत सारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट देखिए, बहुत सारे सप्लीमेंट्स देखिए, बहुत सारे और भी फिजिकल एक्टिविटी इक्विपमेंट देखिए, ये कंटिन्यू इसकी सेल और मार्केटिंग बढ़ती जा रही है। इससे आपको समझना चाहिए कि आने वाले समय में इस चीज़ का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है और यहाँ पे जो अपनी किस्मत को इंसान चमकाएगा, चाहे वो बिजनेसमैन के रूप में चमकाए, चाहे निवेशक के रूप में चमकाए, चाहे वो वितरक के या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में चमकाए, आपकी किस्मत चमक सकती है इस पर अगर आप सही समय पर सही तरीके से एक्ट कर लेते हैं। तो पहले के समय में किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित होने में लगभग 100 साल लगते थे, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें फास्ट है, टेक्नोलॉजी फास्ट है, तो आज जो चीज़ें पहले 100 साल में यानी 100 साल में स्थापित होती थी आज वो 10 साल में स्थापित हो जाती है। यानी रेवोल्यूशन तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन उसमें स्वास्थ्य का रेवोल्यूशन सोने पे सुहागा साबित हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, इस बुक के डाटा के अनुसार बातचीत करें तो स्वास्थ्य का जो व्यवसाय है वो 200 अरब डॉलर का हो चुका है, उसमें से 70 अरब डॉलर का विटामिन का कारोबार होता है और लगभग 24 अरब डॉलर का फिटनेस क्लब से संबंधित कारोबार होता है। देखिए, बहुत ही कम लोगों को अभी स्वास्थ्य के बारे में और सप्लीमेंट्स के बारे में जागरूकता कम है, लेकिन फिर भी ये कारोबार इतना
बढ़ चुका है। आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगाए कि स्पेशली कोविड के बाद में कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आई है कि इम्यूनिटी क्या होती है, उनको हेल्थ पे कैसे काम करना चाहिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होती है, उनको कैसे वो बच सकता है। तो ये आने के बाद में और ये चीज़ें बहुत ही फास्ट होने लगेगी इस इंडस्ट्री में। जैसे आप एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो, निवेशक हो, जैसे आप कोई कंटेंट या सुविधा या सेवा उपलब्ध कराते हो जिसमें लोगों को ये जानकारी या जागरूकता दे रहे हो कि कैसे उनको सप्लीमेंट खाने चाहिए, कैसे उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आपको उसमें भी आप बहुत से चमका सकते हैं। यानी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट के अलावा सेवा, लोगों को इन्फॉर्मेशन, जानकारी के द्वारा भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट हमें जानने की जरूरत है कि हमें स्वास्थ्य क्रांति की जरूरत क्या है। देखिए दोस्तों, आपके शरीर में, आपके शरीर को संचालित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें कि बहुत ही कम मात्रा में देखें लेकिन बहुत ही जरूरी देखें तो वो है विटामिन्स। विटामिन्स आपको कम मात्रा में चाहिए लेकिन वो आपको चाहिए ही चाहिए। कुछ विटामिन्स आपका शरीर सिंथेसाइज कर सकता है लेकिन मैक्सिमम विटामिन आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। वैसे मिनरल्स में है कि मिनरल्स मैक्सिमम आपको बाहर से लेने हैं। प्रोटीन के मामले में देखिए तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो आपको प्रकृति से ही मिलते हैं, तो आपको प्रकृति से लेना है। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर को हमेशा किसी न किसी विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। अगर उनकी कमी होगी तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जब हम डॉक्टर के पास आते हैं तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर हमें बेस्ट मेडिसिन लिख रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट मेडिसिन आपको लिख रहा हो या बेस्ट उस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहा हो। कई बार होता है कि नहीं हो पाता, डायग्नोज नहीं हो पाता, चीज़ें पता नहीं चलती, और बहुत सारी चीज़ें तो है विटामिन से रिलेटेड लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है, तो सिर्फ उसके सिम्टम्स को रोका जाता है तो उससे आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। वहीं आपको देखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो सप्लीमेंट्स है, विटामिन्स है, जो ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है शरीर की जो आपको शरीर को अच्छा कर सकती है, उसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूड होती है। यानी आपको अपने स्वास्थ्य को अर्न करना पड़ेगा। अर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्ट चाहिए और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए। डॉक्टर हो सकता है आपको दवाई दे दे लेकिन बाकी चीज़ें आपको नहीं दे पाएगा। यानी एटीट्यूड आपको बिल्ड करना पड़ेगा, रेस्ट आपको करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन आपको लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, तो उसका कॉम्बिनेशन बनाने से ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। वो सिर्फ सिम्टम्स को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, उनको डिले कर सकते हैं, बस उसी में लगभग मैक्सिमम कोशिश होती है। जैसे ही सप्लीमेंट्स की या विटामिन्स की बात ही चलती है तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हमें विटामिन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये जनरली हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग के कारण होता है। हमारा ब्रेन क्या होता है कि जनरली जो फिक्स पैटर्न होते हैं उसी के हिसाब से चलता है। यानी आदिकाल से हमने ये चीज़ समझी नहीं कि विटामिन क्या होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों में कमी नहीं थी, पोषण अच्छा था, जो आपकी फसल थी वो अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन आज वो चीज़ें गायब हो चुकी है, आपकी थाली से, आपके खाने से गायब हो चुकी हैं। तो आज वो विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी आ चुकी है, उसकी वजह से और भी क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज होने लगी है। तो अब आपको वो आपका जो ब्रेन का पैटर्न है कि नहीं हमें तो नहीं जूता है, हमारे तो बाप दादा भी नहीं खाते थे, ये नहीं खाते थे, वो नहीं खाते थे, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य को वाकई में आपको फोकस करके उस पर काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए कि अभी आपकी जो कंडीशन आपने देखी होगी कोविड की कंडीशन, उसमें कैसे लोगों ने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट किया है। तो आपको समझना चाहिए कि इसी तरह से ये वेलनेस रिवोल्यूशन है वो आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा असरकारक होने वाला है। इसके सराउंडिंग आपको अपने बिजनेस या थॉट प्रोसेस को विकसित करना चाहिए जिससे कि आप भी इस इंडस्ट्री में अपनी किस्मत को चमका पाए। दोस्तों, इस बुक का सेकंड चैप्टर है स्वास्थ्य की मांग को समझना और नियंत्रित करना। जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने बताया कि आपके शरीर को कुछ विटामिन मिनरल्स हमेशा चाहिए होते हैं, उसी तरह सेम पॉइंट यह है लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी और चीज़ें जानने की जरूरत है कि जो विटामिन की डिस्कवरी है या जो विटामिन के बारे में या अपनी हेल्थ के बारे में समझना स्टार्ट किया है वो ज़्यादा कुछ पुराना नहीं है। कुछ सालों पहले ही हमें ये पता नहीं था कि दांत से जो खून निकलता है जनरली स्कर्वी रोग होता है, वो स्कर्वी रोग क्यों होता है, वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और अभी हाल ही के सालों में उसके बारे में ढंग से पुष्टि हुई है, विटामिन सी का हमने इंटेक लेना स्टार्ट किया है, साथ में अपने सप्लीमेंट्स के रूप में या डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट किया है। यानी ये जर्नी अभी हम अपने शरीर को, स्वास्थ्य को जानना शुरू ही किए हैं, तो आपको आने वाले समय में और भी डिस्कवरी पता चलने वाली है कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए कैसा ज़रूरी है। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर दो एग्जांपल देना चाहूँगा। इस बुक के राइटर पोलजेल पिल्जर भी ये कहते हैं कि उनके जॉइंटों में दर्द स्टार्ट हुआ, डॉक्टर ने उनको सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उन्होंने सर्जरी नहीं करा के ग्लूकोसामाइन को यूज़ किया। ग्लूकोसामाइन एक कंपाउंड होता है जो आपके जॉइंटों की हेल्थ को अच्छा करता है और आपकी जॉइंटों की हेल्थ को और बढ़िया करता है, जिससे कि आपके दर्द या पेन नहीं होता या आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो वहीं उनको जब ग्लूकोसामाइन के बारे में समझ में आया तो उन्होंने ग्लूकोसामाइन लेना स्टार्ट किया और बहुत अच्छे हो गए।
जब डॉक्टर ने देखा कि ये बहुत अच्छे से चल फिर पा रहे हैं तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने किस डॉक्टर से सर्जरी करवाई, आप तो बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं। तो पॉल जिल पिल्जर ने कहा कि मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, मैंने सिर्फ ग्लूकोसामाइन या कोई एक सप्लीमेंट लिया था। डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ, डॉक्टर ने उनकी एक्सरे करके देखा, एक्सरे में पता चला कि उनकी जॉइंट है बहुत ही अच्छी हेल्थ है आज उनकी जॉइंटों की और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो उस डॉक्टर ने उनको मना किया कि आप किसी को भी इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा मत बताना, अगर आप ज़्यादा बताओगे तो हमारा जो बिजनेस है एक तरह से ऑपरेशन करने का, सर्जरी करने का, वो कहीं ना कहीं खतरे में नहीं पड़ जाए। तो मैक्सिमम ये चीज़ है। दूसरा, बहुत सारे डॉक्टर्स को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या चीज़ें किस कंडीशन में देनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो भगवान तो नहीं है, वो पढ़ के आए हैं, उनको किस चीज़ पे फोकस किया गया मेडिकल कॉलेज में, या वो देखते हैं कि कहाँ से उनको रेवेन्यू जनरेट करना है उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कैसे उनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चीज़ों के बारे में बताते हैं उसी पे सारा ताना बाना बुना रहता है। तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये इंडस्ट्री का ब्लैंक स्पेस तो है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट या सर्विसेज की जरूरत है जो आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकती है, बीमार होने से पहले यानी लक्षण को आने से पहले ही आपको प्रिवेंट कर दिया जाए, या बाय चांस लक्षण भी आ चुके हैं तो उसका परमानेंट कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। दूसरा, मेरा खुद का भी मैं ले सकता हूँ कि मेरे आँखों में प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने मुझे चश्मे उसमें सब कुछ लिख दिए, लेकिन साथ में कुछ समझदार डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी कि आप आँखों के लिए मल्टी कैरोटीन खाओ। मैं नहीं बोलता कि सारे डॉक्टर गलत हैं, लेकिन समझने का, बातचीत का फेर होता है। डॉक्टर कई बार ये भी देखता है कि अगला इतनी सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ही नहीं करके ऐसा उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है जिससे कि सस्ते में उसका काम निकल जाए। लेकिन जब आप समझदारी से चीज़ों को डिस्कवर करते हैं तो पता चलता है कि आपको वाकई में सप्लीमेंट की जरूरत होती है। जैसे मैंने मेरी आंखों की हेल्थ के लिए ऑलरेडी मल्टी कैरोटीन विजन हेल्थ टाइप से सप्लीमेंट लिए और आज मेरी आंखों में बहुत ही अच्छा मुझको रिलैक्स महसूस होता है। दूसरा, ये चीज़ आपको डिले भी होती है कि आपकी जो डीजनरेशन है उम्र के हिसाब से जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उन पर भी कमी आती है। तो इन दो पॉइंटों से आप समझ चुके होंगे कि आने वाले समय में और हम जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, जैसे जैसे हम हेल्थ के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे हेल्थ की इंडस्ट्री के आने वाले प्रोडक्ट सेवाएं बढ़ने वाली हैं और मार्केट में आप अपनी किस्मत को बखूबी चमका सकते हैं। दोस्तों, थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो समझना चाहिए कि आपको आपके भोजन को जानने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसी पे आपके शरीर का स्वास्थ्य डिपेंडेंट है। अब देखिए, मैक्सिमम हमने सुना होगा कि 5 से 6 गिलास पानी पीने चाहिए, लेकिन कोई नहीं पीता है। 5 से 6 गिलास पानी पीने से आपकी आंत के कैंसर की प्रॉब्लम कम हो सकती है, आपको मूत्राशय यानी पेशाब से संबंधित जो प्रॉब्लम है, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है, आपकी स्किन डल होती है वो कम हो सकती है, डिहाइड्रेशन जो सभी चीज़ों का जड़ होती है एक तरह से, वो उससे आप निजात पा सकते हैं। तो एक छोटे से पानी की वजह से सोचिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और कितनी सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं अगर प्रॉपर पानी पीते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके शरीर को और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, गुड फैट है स्पेशली, तो उनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको गैप समझना चाहिए कि किसान को जनरली इस पर फोकस नहीं करके उत्पादकता बढ़ाओ इसी पर फोकस किया गया, जबकि अगर किसान ऐसी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करे जो न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ें उगाए और वो लोगों तक समझाए कि न्यूट्रिशन वैल्यू इस गेहूँ की मेरे प्रोडक्ट की कैसे ज़्यादा है, तो उसका मार्केट भी अच्छा होगा। इस तरह से एक किसान इस इंडस्ट्री को समझ सकता है, किसान भी एक खाद्य पदार्थों के जरिए वेलनेस रिवोल्यूशन का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है खाद्य सामग्री में अपनी किस्मत चमकाना। देखिए, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती है, लेकिन वहीं एक प्रॉब्लम भी है, दूध पीने से हड्डियाँ कमज़ोर भी होती है, क्योंकि दूध भी अलग अलग तरीका होता है, A1, A2 इस तरह से उसके कंपोनेंट होते हैं, उनके नाम होते हैं, उस हिसाब से मिल्क जो होता है वो आपके लिए नहीं बना होता, वो अपने गाय अगर मिल्क देती है तो उसके बछड़े के लिए बना हुआ, हम तो ज़बरदस्ती उसका मिल्क पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट दूध भी आपको हेल्प करे जरूरी नहीं है। तो वहाँ पे आपको और भी चीज़ देखनी चाहिए, यानी जो पत्तेदार सब्जियाँ हैं वहाँ से भी आपको कैल्शियम को इंटेक करना चाहिए, दूध से भी चलो आप ले रहे हो तो इसका कॉम्बिनेशन जो बनता है उससे आपकी हड्डियाँ बहुत ही अच्छी सुरक्षित हो सकती है। तो खाद्य पदार्थ से संबंधित, जैसे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, इनसे संबंधित जो खाद्य पदार्थ हैं जो इनके रिच सोर्सेज हैं उन पर भी आप फोकस करके आप इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड इन पर निवेश करके इनके प्रोडक्शन में किसी न किसी रूप में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दवा के बिजनेस में अपनी किस्मत चमकाना। देखिए, डॉक्टर का जो काम होता है स्पेशली ये होता है कि किसी भी मरीज को उस बीमारी से बचाना और होने से पहले उसको इशारा करना, अगर हो जाती है तो उसको ऐसे तरीकों के द्वारा ठीक करना जिससे कि बीमारी दोबारा नहीं आए। लेकिन आज देखा गया कि मैक्सिमम सिम्टम्स का इलाज होता है, तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि
ऐसी कोई मेडिसिन हो, ऐसी कोई दवा हो जो आदमी को अच्छा स्वास्थ्य दे सके, यानी उसकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सके, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा अवसर निकल के आता है। सिक्स पॉइंट है स्वास्थ्य बीमा। जी हाँ, स्वास्थ्य बीमा। हम जनरली जो इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी हेल्थ की, वो होती है कि अजी मुझे कुछ होता है तो मैं किस हॉस्पिटल में सस्ते में इलाज करा पाऊँ, कम पैसे में या फ्री इलाज करा पाऊँ। मैक्सिमम योजना ये चल रही है, जैसे अब राजस्थान अभी सरकार की बात करें, RHS योजना है वो यही है, चिरंजीवी योजना ये है, भामाशाह योजना है कि आप बीमार हो जाओ और बीमार होने के बाद में आपको हम डिस्काउंट पे आपकी चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज करके आपको लक्षणों से निजात दिलाएंगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया जाए और इस तरह की चीज़ों में आपको बीमा मिलना स्टार्ट हो जाए, इस तरह से चीज़ों में आपको फाइनेंस मिलना स्टार्ट हो जाए, एग्जांपल के लिए इंसान पहले से ही उसको अगर कोई इंश्योरेंस टाइप से मिले कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाए, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ें खा पाए, एक्सरसाइज कर पाए, जिम या फिटनेस क्लब को ज्वाइन कर पाए, तो बीमार होगा ही नहीं। बीमार नहीं होगा तो उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से इस स्वास्थ्य इंडस्ट्री में भी बीमा, इस तरह का स्वास्थ्य बीमे को आप ला के निवेश करके लोगों तक पहुँचा के अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, जिससे कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और स्वास्थ्य मिलने की संभावना को बढ़ा सके। तो इसमें भी एक अच्छा स्वास्थ्य क्रांति का जो पॉइंट है वो आपके सामने है कि आप बीमा से संबंधित यानी स्वास्थ्य बीमा से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं और वहां पे अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों, एट पॉइंट है स्वास्थ्य की संबंधित जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उनका वितरण करके। देखिए, अमेजोन है, अमेजोन आज कोई भी प्रोडक्ट बनाता नहीं है, मैक्सिमम प्रोडक्ट वो सेल करता है दूसरे से लेके ही। कुछ कुछ उसने बनाना स्टार्ट किया है लेकिन वो अलग तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मैक्सिमम वो जो उसका मैक्सिमम टर्नओवर है, 99% जो टर्नओवर है वो उन्हीं चीज़ों से है जो दूसरा कोई बनाता है, यानी वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है और उससे पैसा कमाता है। तो यहाँ पे आपको भी समझिए कि जरूरी नहीं आप हर बार कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करो, नया प्रोडक्ट बनाओ, आप पहले से जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा करके, लोगों को जागरूक करके, उनकी खपत बढ़ा के भी आप एक बिजनेस बना सकते हैं और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य के देने के साथ साथ आप अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट के अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट और सेवाओं के वितरण से भी बहुत कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं कुछ पॉइंटों को एक साथ समराइज करना चाहूंगा जिससे कि आपका समय बचे। आज आप देखिए कि आपके पास अगर अच्छी इनकम होती है तो आप एक मोबाइल लेके आते हैं, आपके पास और अच्छी इनकम होती है तो आप एक और अच्छा मोबाइल लेके आते हैं, एक अच्छा टीवी लेके आते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान। तो देखिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी काबिलियत बढ़ती है, आप उस पैसे को अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च कर दें। अब देखिए, आने वाले समय में जवान होना, अच्छा दिखना, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और होगा। तो इंसान को जैसे जैसे समझ में आ रहा है कि मैं इन प्रोडक्ट को यूज़ करके थोड़ा जवान दिख सकता हूँ, जवान हो सकता हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है, मेरे काम करने की क्षमताएँ बढ़ सकती है, तो वो उसमें निवेश करता है, उसमें अपना पैसा खर्च करता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान अच्छा हेल्दी रहने के लिए कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोटीन ये लेता है, उसकी लाइफ अच्छी रहती है। तो आप देखिए, लाइफ अच्छी रहेगी तो लंबे समय तक जीवित रहेगा, लंबे समय तक जीवित रहेगा तो लंबे समय तक उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा तो आपका जो कंज्यूमर है, आपके अगर आप वितरक है, आप उत्पादक है, तो आपका कंज्यूमर लंबे समय तक जीवित रहेगा, जीवित रहेगा तो लंबे समय तक वो प्रोडक्ट यूज करेगा, तो आपका टर्नओवर तो बढ़ने वाला है। तो इस तरह से इस इंडस्ट्री को आपको समझना चाहिए कि इसमें अपर लोगों को स्वास्थ्य देते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारे सेक्टर होते हैं जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचता है, तो हो सकता है वो दुनिया से चला जाती है, तो आपका एक उपभोक्ता, आपका एक कंज्यूमर खत्म हो चुका। लेकिन स्वास्थ्य, जहाँ पे आप लोगों को एक्सरसाइज करके फिट करेंगे, जितना आप फिट करेंगे उतने ही संभावना बढ़ जाएगी, उसको दूसरे लोग भी देख के एक्टिवेट होते हैं। सिंपल सी बात है, भगवान ने जब भी इंसान को बनाया, बीमारी बनाने से पहले भगवान ने उसका उपचार बनाया। तो आप भी लोगों को इस तरह से जागरूक कर सकते हैं कि भगवान आपको स्वस्थ देखना चाहता है। तो एग्जाम्पल, वो एक्सरसाइज करता है तो स्वस्थ रहता है तो उसको दूसरे लोग देखेंगे, दूसरे लोग भी उसकी लाइफ से मोटिवेट होते हैं और वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। वो लंबे समय तक अगर स्वस्थ रहेगा, जीवित रहेगा, तो आपके प्रोडक्ट इस तरह की सर्विसेज को और भी यूज़ करेगा। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे अर्निंग सोर्सेज बढ़ते हैं, जैसे जैसे किसी इंसान के पास धन संपदा बढ़ती है, वो ऐसी ही चीज़ों पर खर्च करता है, अच्छे से जीने में, अच्छे से रहने में, अच्छी वेकेशन बिताने में, अच्छे खान पान पे, अच्छा परिवार के साथ समय गुजारने में। तो आप देखिए, इस तरह से अल्टीमेट इसका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाने वाला। और हाल ही के जो कोविड की लहर के बाद में आपने देख लिया कि कैसे जिम ओपन हो रहे हैं, कैसे हम देखा कि बहुत सारे योगा सेंटर, बहुत सारे डांसिंग क्लासेस, बहुत सारे आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, और विज्ञापन आपने देखे हो कि टीवी पे उनकी भरमार है। तो जैसे आप किसान हो,
चाहे आप वितरक हो, चाहे आप निवेशक हो, चाहे उत्पादक हो, किसी भी रूप में स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी स्वास्थ्य को अच्छा करने से रिलेटेड सर्विसेज में या प्रोडक्ट के वितरण में आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। यही इस बुक का इशारा है कि कैसे आप आने वाले समय में स्वास्थ्य इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस इंडस्ट्री से बेनिफिट उठा पाएँ, स्वास्थ्य की अपनी जर्नी को तय कर पाएँ। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।